हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोपरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट we need to understand its genesis. I am trying to simplify the things with my own, in my own words or in Hindi also. अर्थात किसी सब्जेक्ट को समझने से पूर्व हमें उसके प्रारंभ में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको समझना बहुत आवश्यक है। उसके प्रारंभिक स्थिति को समझना बहुत आवश्यक है, क्यों ऐसा हुआ और इसके लिए कैसे किया गया, ये समझना। सो और विज्ञान में कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के चलते चलते कुछ नए आविष्कार होते हैं, नई संभावनाएं बनती है, और नई संभावनाएं जो चलती हुई थ्योरीज हैं उनमें फिट इन करने की कोशिश की जाती है। नई जो थ्योरी सामने आई है, नया प्रिडिक्शन कोई सामने आया, उसको प्रिडिक्शन को चलती हुई थ्योरी, जो अडॉप्ट की हुई थ्योरी है, जो अडॉप्ट किया हुआ एटमॉस्फेयर है, उसमें फिट इन करने की कोशिश की जाती है। पर कुछ कुछ डिफरेंसेज रह जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं हो पाता, इस कारण से उस थ्योरी को कुछ एनहेंस करने की कोशिश भी की जाती है, और फिर एक वैसा ही माहौल हो जाता है, शांत, बिल्कुल भाई ठीक है, नाउ इट इज एडजस्टेड इन आवर प्रेजेंट थ्योरी। सिमिलर थिंग हैपन्स अबाउट द स्पेस इन टाइम। द फिनोमेना ऑफ स्पेस इन टाइम इट वॉज अज्यूम्ड दैट space is absolute, time is absolute, everything was going good and everything was tried to be explained by Newtonian theory. Means Newton's theory was assumed to be a perfect theory, and the scientists and the generations tried to explain everything with the help of Newtonian theory, and it was assumed that this theory is perfect, everything is explained by this theory, can be explained by this theory. But as soon as electromagnetism the study of electromagnetism comes into our consideration and it is seen that laws of electromagnetism does not follow as Newtonian theory explained as in Newtonian theory, but these are somewhat different laws that cannot be explained by the Newtonian theories. Newtonian theory adoption, that is in Newtonian theory we absolute space
it was assumed that the space is absolute, inertial. And later on, to explain electromagnetism, the laws of electromagnetism, it is assumed that this absolute space is filled with ether. This space is assumed to be filled with ether in order to explain this electromagnetism. Means जब इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के जो लॉज हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो पाए तो कोशिश की गई कि ये नहीं है, एब्सोल्यूट स्पेस में ईथर है, क्योंकि इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म वेव्स को मूव करने के लिए कुछ मीडियम की आवश्यकता है, तो ये मीडियम सपोज किया गया कि एब्सोल्यूट स्पेस में ये ईथर एक मीडियम है जिसके थ्रू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट कर जाएगी। और जब अर्थ के मोशन को देखा, जब ये अज्यूम कर लिया गया कि ईथर इज देयर, तो अर्थ के मोशन को देखा, अर्थ के मोशन ये एक्सप्लेन करती थी इस एब्सोल्यूट स्पेस प्लस ईथर, दैट इज नॉट द ईथर, केमिकल ईथर, बट इट इज ए वर्चुअल मीडियम, एक काल्पनिक माध्यम जिसको ईथर कहा गया वो माना गया। द एब्सोल्यूट स्पेस विद ईथर ट्राइज टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड एट द सेम टाइम इट इज अज्यूम्ड दैट अर्थ इज आल्सो मूविंग थ्रू ईथर and there should be ether waves, ether winds, there should be ether winds which can theoretically be explained by optical means and by Newtonian laws, optical or Newtonian laws ke through theoretically ether wind ko explain kiya gaya, par In 1887, Michelson Morley Michelson Morley's experiment Michelson Morley's experiment In this experiment, it is tried to detect the ether winds, but Michelson Morley planned an experiment. Later on, we will study about that. Michelson Morley planned to explain the ether wind, planned to detect ether wind, but they couldn't succeed. वो सफल नहीं हो सके अपने इस उद्देश्य में, माइकलसन मॉडले। तो न्यूटनियन लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज के बीच में ये कॉन्स्पिरेसी चलती रही। तो आइंस्टाइन ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं होने के पीछे आइंस्टाइन ने अपनी सोच से देखा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है जो इस ढंग से एक्सप्लेन नहीं हो। तो आइंस्टाइन ने इसकी गहराई में जाते हुए एक नई थ्योरी जिसके आधार पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई दी गई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लेटर ऑन बाय जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो आइंस्टाइन का ये कि भाई न्यूटोनियन लॉ भी एक्सप्लेन हो जाए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉ, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लॉ भी एक्सप्लेन हो जाए, उसके लिए उसने प्रयास किया। अब न्यूटोनियन लॉज जो फर्स्ट एंड सेकंड न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट एंड सेकंड
फर्स्ट गिव्स क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव मीन्स इफ ए बॉडी इज मोशन विल रिमेन इन मोशन अप टिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट गिव्स अस अ क्वालिटेटिव नेचर एंड द सेकेंड लॉ पी इज इक्वल टू एम ए या एम इज इक्वल टू एम ए अप्लाइड फोर्स gives us the quantity. Quantitative way, qualitative and quantitative way to explain, to think about this. So Newtonian ने जब ये किया ये दोनों लॉ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के मेजरमेंट के लिए थे पर इसमें ये आवश्यक था कि कोई कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए तो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कल्पना की गई है. वन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल. टू टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अज्यूम और about which the motion of a particle or motion of a body can be explained. So they assume two type of frame of reference. Inertial. What is inertial frame? Inertial frames are those frames in which unaccelerated body remains unaccelerated. Means if a body is unaccelerated in one frame of reference, it remains unaccelerated in other frame of reference. This was the idea. Such type of frame of reference are known as inertial frame of reference. In other words, the frame which are at rest in uniform translatory motion, frames which are at rest which are in uniform translatory motion with respect to absolute space, remains uniform translatory motion. अर्थात वो सारी frames जो absolute space में uniform translatory motion में हो एक दूसरे का reference में, तो ऐसी फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहा गया. देन नॉन इनर्शियल फ्रेम आर दोज फ्रेम्स इन विच अनएक्सेलरेटेड पार्टिकल्स लुक्स लाइक एक्सेलरेटेड. इफ ए पार्टिकल इज अनएक्सेलरेटेड इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट लुक्स लाइक द ऑब्जर्वर ऑफ सेकेंड रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्व इट दैट द पार्टिकल इज इन मोशन इन एक्सेलरेशन. मीन्स एक फ्रेम में पार्टिकल स्थिर है, अनएक्सेलरेटेड है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, पर वही पार्टिकल दूसरी फ्रेम में देखें तो वो एक्सेलरेटेड वे में दिखाई दे रहा है, तो ऐसी फ्रेम्स को हम क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स. से फॉर एग्जाम्पल it is assumed that a star in heaven are absolute or are a fixed frame,
अबाउट विच वी कैन मेजर द अदर फ्रेंड्स. सो स्टार्स इन अर्थ, स्टार्स इन द स्काई आर अज्यूम टू बी एन इनर्शियल फ्रेम, वेयर एज अर्थ इज नॉट ए इनर्शियल फ्रेम बिकॉज इट इज मूविंग अबाउट इट्स एक्सिस एज वेल एज मूविंग, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एंड मूविंग अराउंड द सन. सो इट इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम, इट इज नॉट अज्यूम टू बी ए इनर्शियल फ्रेम. Thus, we can define, we can find some way that our motto is to find that Newtonian theory, laws of Newtonian theory remains in one frame. Means if F is equal to ma is observed in one frame, then it is also F is equal to ma in other frame. Means law, physical laws remains same in every frame of reference. Such type of frame of reference are known as inertial frames. In our first law, special theory of relativity ka pehla niyam ya niyam jise hum kahenge ki physical law har frame of reference mein same rahe, इस तरह का पहला नियम बनता है. अब पहले इनको थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की अपन ने, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम इनकी बात की है. देखिए डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, स्पेशल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अगर frame of reference, one frame is moving and other moving with the same velocity, or one frame is fixed with respect to star and other frame is moving with uniform velocity, then, or two frames are moving in certain way that one observer observes the law in one frame and another observer in other frame observes the law and law is same, then such type of observers are known as class of observers, class of inertial frame observers. And two type of special frames, reference frames, if we want to see that one frame of reference to another law, from one frame of reference to another frame of reference, then we need to study some frame of reference. The first one is Galilean special Galilean transformation. Special Galilean. यानी हमारा उद्देश्य ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, ऐसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्टडी करना है जो एक दूसरे के प्रति मूव कर रही हो, तो उसमें लॉज किस तरह से होंगे, क्या होंगे, उनको स्टडी करना है. तो पहले इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ लें. तो ये एक स्पेशल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक इस तरह के दो फ्रेम्स हैं जिसमें एक फ्रेम ये एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड ये एक फ्रेम है जिसके रेफरेंस में दूसरी फ्रेम मूव इस तरह से कर रही है कि एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है. जो ऑब्जर्वर या ये ओरिजिन t इक्वल टू 0 पर ये ओरिजिन दोनों कॉन्साइड, दोनों फ्रेम कॉन्साइड है, कुछ समय बाद में v वेलोसिटी से ये फ्रेम, दूसरी वाली फ्रेम
जो कॉन्सेप्ट थी इसके वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है इस तरह से, यानी वाई और जेड एक्सिस तो अपने आप में पैरेलल है, वाई और जेड एक्सिस तो पैरेलल है, पर एक्स एक्सिस में ये फ्रेम इतनी आगे बढ़ गई इधर, ये एंड दिस इज योर एक्स एक्स एक्स। सो व्हाट हैपेंस, दिस ओरिजिन comes to this position, it is moving with velocity v, in time this t, this distance is vt, this distance o and o dash, distance between o and o dash is vt. Now coordinate of any point in first frame of reference is say x, y, z, and coordinate of the same point in second frame of reference is x dash, y dash and z dash, or we may say x1 y1 or z1 in second frame of reference. Then what is the relation between the these two? Point is same, then there must be a relation between these two. So x1 is equal to x minus vt, since in time t this point moves to point at point O dash, this comes to the point O dash, so total distance covered by this is O dash and it is nothing but vt. So x1 is equal to x minus vt and y1 is equal to y minus y1. Y is moving parallel to it. It is parallel, always parallel. So Y1 is equal to Y and Z1 is equal to Z. The point Y and Z is always same. Since Y and Y1, the second frame, Y dash and Z dash. Y dash is parallel to this. So Y1 coordinate is nothing but y coordinate is nothing but y1 and z coordinate is nothing but z1. This type of transformation is known as special Galilean transformation. Now general Galilean transformation, what is the general Galilean transformation, or simply we can say Galilean transformation means only Galilean transformation. Here one frame of reference is say this is one frame of reference. This x, this y, this z, and it is O. Observer at point O. In another frame of reference, which is at distance, its origin is at distance, say this is another frame whose coordinates are x dash, y dash and z dash. These are the coordinates and this origin is obvious. Initially this frame is here. So with respect to this point, its coordinates are say v1, v2 and v3, and now this frame is moving with velocity v and in its direction with velocity v with reference to this. So this frame is moving with velocity v. So after time t, at t is equal to 0, this is the position. And after time t, this frame is moving with velocity v. So its component, let us suppose its components are v1, v2 and v3. V1, v2, v3. So after time t, initially this is the point of origin. This is the origin for first frame about which we are observing.
इस पॉइंट के सापेक्ष हम अपने ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और ऑड इज इनिशियली यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट बी वन बी टू बी थ्री है। अब ये यहाँ से जीरो के टी इक्वल टू जीरो के बाद ये यहाँ से मूव करने लगी वी वेलोसिटी से। इस वी वेलोसिटी का कंपोनेंट बी वन बी टू बी थ्री अबाउट दीज फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट बी वन है, वाई एक्सिस की तरफ बी टू और जेड एक्सिस की तरफ बी थ्री। जब ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है तो टी टाइम पर एट टाइम एट टाइम टी व्हाट विल बी द पोजीशन, एट टाइम टी व्हाट विल बी द पोजीशन, टी इज इक्वल टू जीरो कोऑर्डिनेट ऑफ टी पोजीशन। नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ विच वी आर टॉकिंग, पहली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, दूसरी फ्रेम में इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन और जेड वन है। तो यहां से एक्स वन वाई वन और जेड वन क्या हो जाएंगे, एक्स वन वाई वन और जेड वन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे, एक्स वाई और z, x1 its coordinate be moving with velocity t, so coordinate will be x1 x1 plus vt plus v1t, x1 plus v1t, so x will be equal to x1 plus v1t, x2 plus v2t, x3 plus v3t, and it is moving in any direction, so it makes some angle, so what will happen, x1 dash at any time t, its coordinate, this point, coordinate of this point is say x1 dash, then x1 dash, y1 dash and z1 dash will be equal to x1 dash is equal to a11, a11 x1, a11 x1, x, a11 x plus V1, V1T plus V1, its position, V1, observer is here, O is, so its coordinate in this frame will be V of coordinate of odd is v1t plus v1 and v2t plus v2 and v3t plus v3. These are the coordinates of this point. Now x1, xyz, or we can say x1, y1, z1, x1 dash will be equal to x1, y1 and z1 are the coordinate of this point, then the relation between x1 dash and x1 is x a11 x1 v1 a12 x2 a12 x2 plus a13 a13 x3 plus v1t plus v1. What is this? What is A11? This is nothing but angle between this x-axis and its x-axis. Means cos of OX and OX dash. A12 is the angle between this x-axis and its y-axis. This is A12. And A13 is x-axis, its x-axis, first frame x-axis and z-axis of this one. This is A1P.
So x1 dash is similarly x2 dash can be written as a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 plus v2t plus v2, and x3 dash is equal to a1 a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 plus v3t plus v3. This is what the transformation from one Galilean this is known as Galilean transformation from one frame of reference to another frame of reference for this point. For this point. So if the coordinate of this point in first frame of reference is say x1, y1, z1, and coordinate in second frame, its coordinate in second frame is x1 dash, y1 dash, z1 dash, then the relation between these two coordinates is given by this, and these are known as, or we simply we can write here summation aij, j is equal to 1, 2, 3, x, xj, xj plus v1, t plus v1 in summation format. We can write like this. So special Galilean transformation में velocity केवल x-axis की तरफ थी, इसलिए x coordinate में change आ रहा था. General Galilean transformation में velocity एक coordinate system से दूसरे coordinate system में उसके x-axis के parallel नहीं घूम रहा है, बल्कि move कर रहा है, बल्कि linear transformation linearly कहीं जा रहा है. इनिशियल पोजीशन भी कंसाइड नहीं कर रही है, एक्स वाई एक्स वाई जेड एक्सिस आपस में कंसाइड नहीं कर रही है. यहाँ एक्स वाई जेड एक्सिस डिफरेंट डायरेक्शंस में है. जब एक्स वाई जेड एक्सिस डिफरेंट डायरेक्शन में है तो उस समय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला काम करेगा. अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या लॉज ऑफ लॉज इनर्शियल फ्रेम में सेम रहते हैं, कौन से लॉज रहते हैं, कौन से नहीं रहते हैं. इनर्शियल फ्रेम में होगा, रोटेशन में होगा, क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या होगा. हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन की बात कुछ एग्जांपल के थ्रू करते हैं. कल इसको आगे करेंगे नेक्स्ट टाइम पे. धन्यवाद.